टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस सम क्वेश्चंस ऑफ डिफरेंशिएशन। हमने आपको जो है क्या बताया था कि चेन रूल बता दिया था ना, कुछ क्वेश्चंस आप करते हैं। हम 5.2 एक्सरसाइज से आपको बताए थे कि आप 5.2 एक्सरसाइज से स्टार्ट करोगे, ठीक है ना। चलो तो पहला हम करते हैं 5.2 का क्वेश्चन नंबर 7, जो इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। इसमें दे रखा है 2 रूट में कॉट एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो हमें इसका डेरिवेटिव करना है। हमने इसको y इक्वल टू दिस लेट कर लिया। अब हमने कहा था कि ऊपर एक रूट का फंक्शन है, फिर ट्रिगो का फंक्शन है, फिर अलजेब्रिक का फंक्शन है। तो हम लेट कर लेते हैं हर एक चीज़ को। पहले हम लेट करते हैं लेट u इक्वल टू कॉट एक्स स्क्वायर। फिर हम क्या लेट करेंगे बेटा, v इक्वल टू एक्स स्क्वायर। यानी y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा, y इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 2 रूट में u, और यहाँ पे u इज इक्वल टू कितना हो जाएगा cot v, और v इक्वल टू कितना हो गया बेटा हमारे पास एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। अब इसका हम करेंगे डेरिवेटिव। तो यहाँ से निकालेंगे dy बाई डी यू। इसको मैं u के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहा हूँ, तो मैंने रूट एक्स का डेरिवेटिव आपको बता रखा है क्या होता है, 1/2 रूट u। इसका करेंगे बेटा डी यू बाई डी वी इक्वल टू होता है माइनस में कोसेकेंट स्क्वायर v, और डी वी बाई डी एक्स का जो डेरिवेटिव होता है बेटा वो हमारे पास होता है 2x, ठीक है। यहाँ से ये हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से बचेगा डी वाई बाई डी यू इंटू में डी यू बाई डी वी इंटू में डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू, यहाँ पे आएगा 1/ में रूट यू इंटू में माइनस में कोसेकेंट स्क्वायर वी इंटू में बेटा हो जाएगा हमारा 2x, डन। अब देखो यहाँ से ये कट जाएगा, यहाँ से ये रिड्यूस हो जाएगा, तो यहाँ से आएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू। अब इसमें हम वैल्यू डाल देंगे जो हमने अभी तक लेट किया है, तो 1/√u, u की वैल्यू कितनी है हमारे पास दिस, तो लिखेंगे दिस कॉट एक्स स्क्वायर इंटू, इसको नीचे लेकर निगेटिव ऊपर कर देते हैं, इसको लेके आते बेटा नीचे थी हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर इंटू में 2x। कोई डाउट यहाँ पे नहीं ना। चलो अब देखो थोड़ा सा, वैसे तो आंसर ये भी सही है लेकिन इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई किया जा सकता है। देखो यहाँ से हम क्या कर रहे हैं बेटा, -1/√ में, यहाँ से क्या कर रहा हूँ इसको लिख रहा हूँ मैं cos एक्स स्क्वायर अपान में साइन एक्स स्क्वायर इंटू, यहाँ से जो साइन दो बार है उस साइन को एक अंदर लेके आ रहा हूँ। जब भी आप रूट के अंदर साइन लेके आते हो तो हमेशा स्क्वायर के टर्म में आता है, और यहाँ पे साइन एक्स स्क्वायर फर्स्ट रहेगा ही रहेगा। एक मैंने इसके अंदर लाया, जब भी रूट के अंदर, जैसे अगर आपने एक्स लिखा है और इसको रूट के अंदर लिखना चाहते हो तो रूट एक्स स्क्वायर लिखोगे, ठीक है, डन। जैसे आपने एक्स लिखा हुआ है तो इसको रूट के अंदर लिखोगे तो ये रूट एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई किया मैंने। अब देखो यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा, देखो एक से एक यहाँ कट जाएगा, एक साइन स्क्वायर एक्स दिस, तो यहाँ पे आ जाएगा रूट में कॉस एक्स स्क्वायर इंटू में साइन एक्स स्क्वायर इंटू 1/ में साइन एक्स स्क्वायर, और ये 2x को मैं बेटा यहाँ पे लिख रहा हूँ, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं। अब देखो यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई और 2 से मैं डिवाइड कर रहा हूँ, जब 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करोगे देखो ये साइन 2x का फार्मूला बन गया, 2 साइन ए साइन बी का, और ये रूट ऊपर लेके चला गया नीचे वाला, इसको लिख दूंगा 2√2x अपान में, ये हो जाएगा हमारा कितना रूट में साइन 2x स्क्वायर इंटू में साइन एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हमारा डी वाई बाई डी एक्स, ये हमारा इसका आंसर होगा चेन रूल के थ्रू, ठीक है। देन तो ये हमारा पहला क्वेश्चन था इस 5.2 का, बाकी आप करोगे आपका हो जाएगा। आपको 9 और 10 नहीं करना है, ठीक है ना, उसको मैं एक अलग से लेक्चर में आपको जब पहला एक्सरसाइज करवाने लगूंगा तो मैं उसको करवा दूंगा, ठीक है। एक क्वेश्चन और कर लेते बेटा, रूट क्वेश्चन नंबर एट आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये भी है। इसमें दे रखा हुआ है कॉस रूट में एक्स। अब इसको देखो डायरेक्ट आप कर सकते हो, क्या हो जाएगा हमारा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, मैंने कहा रूट एक्स को एक्स लेट कर लो, तो ये कॉस एक्स हो जाएगा, कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस में साइन रूट एक्स इंटू में रूट एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/√x, यानी इसको सॉल्व करेंगे 1/√2, ये हो जाएगा हमारा साइन रूट एक्स अपान में
रूट एक्स, ये हमारा डी वाई बाई डी एक्स निकल गया। तो ये बेटा फर्स्ट का जो हमने आपको बताया, अब हम आपको इसके बाद वाली एक्सरसाइज कराते हैं जो हमारा इनवर्स फंक्शन के बेसिस पे, कितने किस पे बेटा, इनवर्स फंक्शन के बेसिस पे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। चलो अगली एक्सरसाइज के लिए 5.3 के लिए हम करेंगे। देखो अब आपको क्वेश्चन आएंगे कि आपको डी वाई बाई डी एक्स निकालना होगा, यानी आपको निकाल, जैसे आपका कोई फंक्शन दे रखा हो वाई इक्वल टू वाई प्लस में साइन वाई इक्वल टू कॉस एक्स। ठीक है, एक बात याद रखना बेटा, जब भी इसका डेरिवेटिव करोगे एक्स के रिस्पेक्ट में, तो लिखेंगे डिफरेंशिएबल, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो इसका वाई का डेरिवेटिव करेंगे तो ये डी वाई बाई डी एक्स, हमेशा याद रखना वाई का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स। जब साइन वाई का करोगे ना, जैसे आपने कॉस, पीछे के फार्मूले आप पता है कि साइन वाई साइन एक्स का कॉस एक्स होता है, तो यहाँ पे साइन वाई का हो जाएगा कॉस वाई। बस इतना याद रखना, इसके साथ डी वाई बाई डी एक्स को चिपका देना बस। क्यों होता है ये रीजन मैं आपको बता दूंगा, इसी में एक्सप्लेन कर देता हूँ। और यहाँ पे कॉस एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है हमारा, साइन एक्स माइनस में साइन एक्स। अब देखो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स कॉमन है, तो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स अगर मैं कॉमन कर लूँगा तो ये वन प्लस में कॉस वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, साइन एक्स। तो यहाँ से आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस में साइन एक्स अपान में वन प्लस में कॉस वाई। ये हमारा इसका आंसर है। इसी के बेस पे आपको सारे क्वेश्चन करने हैं जो भी। अब यहाँ पे थोड़ा साइन वाई का मैं आपको एक डिस्कशन दे देता हूँ, छोटा सा यहाँ पे कंसेप्ट कि साइन वाई को हम क्यों करते हैं। देखो साइन वाई का डेरिवेटिव चाहिए तो बेटा, तो हम इसको लिख सकते हैं डी अपान में डी वाई। यहाँ पे डी वाई से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे डी वाई से क्या करेंगे, डिवाइड भी करेंगे। तो देखो ये डी वाई कटेगा तो डी बाई डी एक्स का साइन वाई हो जाएगा। अब देखो वाई का रिस्पेक्ट डेरिवेटिव करोगे साइन का कितना हो जाता है कॉस वाई, और डी वाई बाई डी एक्स आपके पास बचा रहता है, तो दैट्स वाई यहाँ पे करते हैं। ठीक है, चलो अब देखो अगला एक मैं आपको प्रूफ कर देता हूँ साइन इनवर्स फंक्शन का, कि कैसे हम साइन इनवर्स फंक्शन को सॉल्व करते हैं। जैसे अगर हमें निकालना हो कि हमने लेट कर लिया वाई इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, ध्यान समझना, इसको मैं प्रूफ कर देता हूँ कि आखिर कैसे साइन इनवर्स फंक्शन का डेरिवेटिव होता है। तो यहाँ से निकाल लेंगे बेटा एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास साइन वाई, कितना होगा हमारे पास साइन वाई, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं ना। अब हमें निकालना है इसका क्या डेरिवेटिव, ठीक है, दोनों तरफ का डेरिवेटिव कर दो। अगर डेरिवेटिव करोगे देखो डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, इसका मतलब होता है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है ना। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है वन, और साइन वाई का मैंने कहा कितना होता है कॉस वाई इंटू में कितना हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, ये तो होगा कॉस वाई इंटू में डी वाई बाई डी एक्स, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं ना। अब हमें डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, ठीक है ना। अब देखो आगे हम क्या करते हैं, इसके बाद क्या करेंगे, यानी यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स हमें कितना मिल जाएगा बेटा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू मिलेगा वन अपान में कॉस वाई, वन अपान में कॉस वाई। यानी हमें क्या चाहिए कि हमें चाहिए यहाँ से y की वैल्यू, इन टर्म ऑफ x हम लिख सकते हैं, कोई भी वैल्यू हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो y की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, साइन इनवर्स x, यानी यहाँ पे लिख सकते हैं वन अपान में cos, और यहाँ पे लिख सकते हैं बेटा साइन इनवर्स x। अगर मुझे साइन इनवर्स x को हटाना है तो मैंने आपको इनवर्स फंक्शन में पढ़ा रखा हुआ है कि साइन इनवर्स को इन टर्म ऑफ cos कन्वर्ट कर लो। जब आप इन टर्म ऑफ cos कन्वर्ट करोगे बेटा तो इसकी जगह पे लिख सकते हैं वन माइनस एक्स स्क्वायर, यानी यहाँ पे क्या लिख सकते हैं इज इक्वल टू, ये आएगा वन अपान में कॉस कॉस वन माइनस एक्स स्क्वायर, ये रूट में आएगा बेटा, ठीक है, ये इनवर्स में आएगा। तो ये देखो इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हमारा बचेगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वन अपान में रूट में वन माइनस में एक्स स्क्वायर। ये होता है हमारा साइन इनवर्स का डेरीवेटिव, ये क्या होता है हमारा साइन इनवर्स का डेरीवेटिव। यानी वाई की वैल्यू क्या थी, साइन इनवर्स थी, यानी डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू होता है वन अपान में रूट में एक्स स्क्वायर, ठीक है। दूसरी बात रखना बेटा, इसका डोमेन जो होता है माइनस वन से वन के बीच होता है, डोमेन क्या होता है हमारा माइनस वन से वन के बीच में, जो हम लोग पहले से ही पता करके आए हैं, ठीक है। इनवर्स फंक्शन मैंने आपको डिटेल में पढ़ाया हुआ चीज़ें, डन। तो ये था साइन। अब मैं हर एक का प्रूफ नहीं करूँगा, अब मैं आपको डायरेक्ट कॉस फार्मूला बता देता हूँ। देखो डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स एक्स इसका होता है माइनस में रूट में वन माइनस एक्स स्क्वायर, जो साइन का होता है केवल माइनस लगा दो। डी बाई डी एक्स ये इंपॉर्टेंट है, टेन इनवर्स एक्स का, टेन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है वन अपान में वन प्लस एक्स स्क्वायर, ये एक्स है हमारा थोड़ा। और डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट इनवर्स एक्स होता है बेटा वन अपान में
वन प्लस एक्स स्क्वायर माइनस में। चल भाई अब हम निकालते बेटा डी बाई डी एक्स ऑफ सेक इनवर्स एक्स का जो होता है बेटा वन अपान में एक्स रूट में एक्स स्क्वायर माइनस वन, और डी बाई डी एक्स ऑफ कोसेक इनवर्स एक्स जो होता है बेटा केवल माइनस लगा दो बस एक्स रूट में एक्स स्क्वायर माइनस में वन, ठीक है ना। अब मैंने आपको बताया था जो कॉट इनवर्स का होता है और टेन इनवर्स का होता है ये दोनों हमारे क्या होते हैं रियल नंबर के लिए डोमेन होते हैं, इन दोनों के लिए रियल नंबर के लिए, और इनका मैंने कहा था कि माइनस वन वन को छोड़ के बाकी हमारे कोई भी वैल्यू पॉसिबल हो सकती है, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं ना। चलो अब इस पे हम कुछ करते हैं बेटा क्वेश्चंस, यहाँ तक क्लियर हुआ, ये अब कुछ करते हैं क्वेश्चन, ठीक है। चलो अब इनवर्स फंक्शन में मैं दो क्वेश्चन आपको करता हूँ, कौन कौन से होंगे एक देखो, मैं क्वेश्चन नंबर पाँचवा करता हूँ, एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर मैं फिफ्थ करता हूँ, ठीक है। फिफ्थ क्या है हमारे पास कि एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स वाई प्लस में वाई स्क्वायर 100, ठीक है ना, इसका हमें निकालना है डेरिवेटिव। तो इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे किसके रिस्पेक्ट में बेटा, एक्स के रिस्पेक्ट में, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 2x। अब यहाँ पे देखो प्रोडक्ट रूल लगाओ, एक्स वाई है ना प्रोडक्ट रूल, तो फर्स्ट का डेरिवेटिव करोगे 1 इंटू वाई प्लस फर्स्ट एज इट इज, सेकेंड का डेरिवेटिव करोगे तो आपको मिलेगा डी वाई बाई डी एक्स प्लस टू वाई स्क्वायर कर करोगे 2y इंटू में डी वाई बाई डी एक्स, ये यहाँ पे क्या करना है चिपकाना है, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा हमारे पास 0। ये वाई स्क्वायर का एक्स स्क्वायर के साथ ही करना है, जैसे आप एक्स स्क्वायर का करते हो वैसे ही करना है, बस यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स करना, इसके पहले मैंने आपको समझाया क्यों करना है। चलो अब यहाँ से देखो डी वाई बाई डी एक्स यहाँ पे उसको एक तरफ कर लो, यानी कितना हो गया 2x प्लस वाई, यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स आप अगर कॉमन करोगे तो ये x प्लस कितना आ जाएगा बेटा 2y इक्वल टू 0, यानी यहाँ से अगर डी वाई बाई डी एक्स हम निकालेंगे तो ये माइनस में 2x प्लस वाई और अपान में कितना आ जाएगा x प्लस में 2y, तो ये हमारा आ गया डी वाई बाई डी एक्स। एक और कर देते हैं, एक क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है इसका, इसके बाद हम आपको कर देते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर एक, ठीक है पांचवा तो यही था हमारा, बाकी तो सिंपल लग रहा है बेटा, ठीक है। अगर आप कह रहे हो तो एक क्वेश्चन में आपको इसका कर देता हूँ सेवन्थ भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। देखो सेवन्थ आपका क्या है कि साइन स्क्वायर वाई और प्लस में कॉस एक्स वाई इक्वल टू के, इसका डेरिवेटिव करना है। अब देखो यहाँ पे साइन स्क्वायर वाई है, किसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी इसमें करेंगे तो वाई दिया हुआ टर्म इसको लिखो टू, क्योंकि पहले एक्स स्क्वायर का करो, यानी साइन स्क्वायर वाई है ना तो साइन वाई को एक्सलेट कर लो, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है 2x, यहाँ लिख दिया मैंने साइन वाई इंटू साइन वाई का डेरिवेटिव कितना होता है बेटा हमारे पास कॉस वाई इंटू, अब मैंने कहा कि डी वाई बाई डी एक्स लगना ही लगना है, प्लस यहाँ पे करो तो ये कॉस एक्स का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा माइनस में साइन एक्स वाई, मैंने इस पूरे को एक्सलेट कर लिया। अब जो एक्सलेट किया उसमें प्रोडक्ट रूल लगा दो, क्योंकि प्रोडक्ट में है तो फर्स्ट का डेरिवेटिव इंटू सेकेंड एज इट इज प्लस फर्स्ट एज इट इज सेकेंड का डेरिवेटिव और इक्वल टू के क्या है हम पे कॉन्स्टेंट, तो के की डेरिवेटिव क्या हो जाएगा हमारे पास 0। अब यहाँ से निकालना है हमें डी वाई बाई डी एक्स, चलो इसको मल्टीप्लाई करते हैं बेटा, तो ये आ गया हमारे देखो साइन 2y का फार्मूला बन गया, ये क्या बन गया हमारे पास साइन 2y डी वाई बाई डी एक्स, 2 साइन ए साइन बी का फार्मूला यानी साइन 2y का फार्मूला। अब देखो इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा माइनस में साइन एक्स वाई इंटू में माइनस एक्स साइन एक्स वाई और डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0, यानी डी वाई बाई डी एक्स वाले टर्म को एक साथ ले लो, इन दोनों में अगर डी वाई बाई डी एक्स कॉमन करेंगे तो हमारा कितना मिलेगा बेटा, यहाँ पे मिलेगा हमारा साइन 2y माइनस में एक्स साइन एक्स वाई और इक्वल टू कितना मिल जाएगा, इसको उधर ट्रांसफर कर लें वाई साइन में एक्स वाई, यानी हमारा मिल जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वाई साइन में एक्स वाई अपान में साइन टू वाई माइनस में एक्स साइन एक्स वाई, ये हमारे आंसर आया है इसका क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर। अब एक क्वेश्चन मैं और कर देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 10 कर देता हूँ, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10, चलो क्वेश्चन नंबर 10 देखो क्या है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 10 में हम लोग करेंगे बेटा इनवर्स का क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे। देखो जब भी आप कोई भी इनवर्स फंक्शन को सॉल्व करोगे तो मैंने आपको इनवर्स में ही बताया था कि आप क्या करोगे, इनवर्स को हटाओगे किसी भी तरह करके, इनवर्स को रिड्यूस कर दो बस, आपका डिफ्रेंसिएशन खत्म, वहीं पे खत्म हो जाता है।
अपान में 1 माइनस में 3x स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा 10th क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको दे रखा हो कि माइनस पाई बाई सिक्स से पाई बाई सिक्स के बीच में लाई करता है, कोई दिक्कत नहीं बेटा, हमें उससे मतलब नहीं, हम उसको डिसाइड कर लेंगे बाद में। पहले हम टेन इनवर्स को हटाएंगे, मैंने आपको पुटिंग करना वहाँ पे सिखाया था इनवर्स में, तो यहाँ पे पुट कर दो एक्स इक्वल टू टेन थीटा, क्या पुट कर दो बेटा टेन थीटा, तो आप देखोगे वाई इक्वल टू कितना मिलेगा हमारे पास टेन इनवर्स, ये मिलेगा टेन थीटा माइनस में टेन क्यूब थीटा और अपान में 1 माइनस 3 tan² थीटा, कोई दिक्कत। अब देखो ये जो पूरा फार्मूला होता है वो tan 3 थीटा का फार्मूला लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, tan 3 थीटा इक्वल टू होता है 3 tan थीटा माइनस में tan क्यूब थीटा अपान में 1 माइनस 10² थीटा, यानी यहाँ पे y इक्वल टू लिख सकते हैं tan इनवर्स, अरे इसकी जगह पे मैं लिख दूँ यहाँ पे tan 3 थीटा, देखो ये इससे कट गया, तो y इक्वल टू कितना आ गया बेटा थीटा, यहाँ से थीटा की वैल्यू निकाल लो, यहाँ से क्या निकालो थीटा की वैल्यू, तो यहाँ से थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो हो जाएगा tan इनवर्स x, क्या हो जाएगा हमारे पास tan इनवर्स x। अब इसका डेरिवेटिव आपको पता है, यानी इसको करेंगे dy by dx, dy by dx करेंगे 3 इंटू में dy by dx tan इनवर्स x, tan इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1 अपान में 1 प्लस x स्क्वायर, यानी हमारा dy by dx जो आ गया आंसर बेटा 3 अपान में 1 प्लस x स्क्वायर। मैंने कहा था केवल बस पुटिंग सीख जाओ इसमें, अगर पुटिंग सीखे तो आपका आंसर, मैंने कहा इनवर्स फंक्शन को हटाओ, इनवर्स फंक्शन को जितना जल्दी रिड्यूस कर लोगे आपका आंसर उतने आसानी से आ जाएगा, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर एक कर लेते हैं हम लोग, 12th इंपॉर्टेंट है, देखो हाँ क्वेश्चन नंबर 12th हमें इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे दे रखा हुआ वाई इक्वल टू, हमें दे रखा हुआ है साइन इनवर्स और आपको दिया हुआ है यहाँ पे 1 माइनस x स्क्वायर और 1 प्लस में एक्स स्क्वायर, ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। अब देखो ये हमारा जो सिस्टम होता है ये हमारा कॉस में पढ़ा था मैंने, यानी अगर मैं यहाँ पे कॉस पुटअप कर दूँ तो ये हमारा कॉस टू थीटा में चला, सॉरी टेन पुटअप कर दूँ तो ये हमारा किस में चला जाएगा टेन टू थीटा में चला जाएगा, ठीक है ना। और टेन टू थीटा से हमें किस में जाना पड़ेगा फिर इनवर्स में जाना पड़ेगा, तो हम ऐसा कुछ करते हैं कि यहाँ पे साइन कॉस टू थीटा बनाते हैं, तो कॉस टू थीटा बनाने के लिए मैंने कहा था कि यहाँ पे एक्स इक्वल टू क्या पुट कर दो आप टेन थीटा, अगर आप एक्स इक्वल टू टेन थीटा पुट अप करोगे तो ये हो जाएगा हमारा साइन इनवर्स और यहाँ पे पुट करोगे तो 1 माइनस टेन इनवर्स और 1 प्लस में टेन स्क्वायर थीटा, कोई दिक्कत बोलो। तो अगर ये हम पुटअप किए तो ये वैल्यू हमारी क्या होती है y इक्वल टू साइन इनवर्स, ये हमारा हो जाता है बेटा कॉस टू थीटा, कॉस टू थीटा, यहाँ तक कोई दिक्कत यहाँ पे, मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ बेटा, ठीक है। अगर ये कॉस टू थीटा हुआ तो हम इसको लिख सकते हैं y इक्वल टू साइन इनवर्स, इसको लिख दो बेटा साइन पाई बाई टू माइनस में टू थीटा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, यानी ये साइन से साइन हमारा कट जाएगा तो यहाँ से y इक्वल टू आ जाएगा पाई बाई टू माइनस में टू थीटा, देख लो। और यहाँ से थीटा की वैल्यू उठा के यहाँ से निकाल लो, यहाँ से कितना थीटा की वैल्यू टेन इनवर्स x, तो यहाँ पे लिख देंगे y इक्वल टू पाई बाई टू टू टेन इनवर्स x, और इसका जब डेरिवेटिव करेंगे बेटा dy बाई डी एक्स तो आपको पता ये जीरो मिलेगा, ये टू अपान में वन प्लस एक्स स्क्वायर, तो यानी यहाँ से मिल जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस में 1 प्लस x स्क्वायर। तो यानी कभी भी डेरिवेटिव करने जाओगे आप इनवर्स फंक्शन का तो हमेशा क्या करना है आपको कि इनवर्स को किसी भी तरह करके रिमूव करना है, अगर आप इनवर्स को रिमूव कर देते हो तो हमारा आंसर बहुत आसानी से आ जाएगा, ठीक है। चलो एक फेमस क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए वाई इक्वल टू, इसको अभी नहीं, एक क्वेश्चन और लिखता हूँ बेटा, एक क्वेश्चन और सिंपल सा मैं आपको करवा देता हूँ, कॉस इनवर्स का करवा देता हूँ बेटा, 11th क्वेश्चन एक और करवा देता हूँ, ठीक है। चलो 14 करा देता हूँ, 14 थोड़ा लग रहा है हमें लॉजिकल, उसको मैं करवा देता हूँ। यहाँ पे दे रखा हुआ वाई इक्वल टू साइन इनवर्स और यहाँ पे दे रखा हुआ है 2x और रूट में 1 माइनस x स्क्वायर, और इसकी वैल्यू दे रखी हुई है आपको वैल्यू 1/√2 से, यानी 45 से -45 से 45 के बीच में लाई करनी चाहिए, ठीक है। तो देखो बाहर साइन इनवर्स है तो अंदर हमें साइन लाना है, अगर हमें अंदर साइन लाना है तो हमें क्या पुटअप करना पड़ेगा, एक्स इक्वल टू साइन थीटा पुटअप कर लेते, क्या पुटअप करते बेटा एक्स इक्वल टू साइन थीटा, ठीक है ना। 45 तक देखोगे तो आपकी वैल्यू क्या होती है साइन की जो है वो इंक्रीज करती है और कॉस की वैल्यू क्या करती है बेटा डिक्रीज करती है, तो यानी यहाँ पे अगर यहाँ पे माइनस डालेंगे यहाँ पे साइन करेंगे तो आपका इंक्रीज करेगा, ठीक है। तो यानी यहाँ पे पुट करते हैं एक्स इक्वल टू
साइन थीटा, एक्स इक्वल टू क्या पुट करते हैं बेटा, साइन थीटा। और अगर मैं एक्स इक्वल टू साइन थीटा पुट अप करूंगा इस वाले वैल्यू में, तो हमें क्या मिलेगा कि आपको साइन टू थीटा का फार्मूला मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा बेटा, साइन टू थीटा का हमें आसानी से फार्मूला मिल जाएगा और उसको हम सॉल्व करके वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं ना, तो हम इसी को करेंगे वैल्यू सॉल्व। कैसे करेंगे अब आपको मैं सिखा रहा हूँ। देखो यहाँ पे जब पुट अप करेंगे तो y इक्वल टू कितना आएगा हमारे पास, साइन इनवर्स, और ये हो जाएगा 2 साइन थीटा, और रूट में क्या लिखेंगे बेटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। यानी y इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारा, साइन इनवर्स 2 साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा, और ये होता है साइन 2 थीटा का फार्मूला। तो यानी हो जाएगा हमारा साइन इनवर्स, और ये हो जाएगा बेटा हमारे पास साइन 2 थीटा। देखो ये साइन से साइन कैंसिल आउट, तो 2 इंटू थीटा की वैल्यू क्या हमने लेट किया, यहाँ से निकाल लो, कितना हो जाएगा बेटा साइन इनवर्स x, यानी y dy वाई बाई डी एक्स कितना आएगा बेटा हमारे पास, 2 इंटू ये हो जाएगा 1 अपान में रूट में 1 माइनस एक्स, क्योंकि साइन इनवर्स का क्या होता है 1 अपान में रूट 1। कुछ बच्चे ये भी कहेंगे सर अगर कॉस थीटा पुट अप करते तब भी होता, बिल्कुल करते बेटा। अगर कॉस थीटा पुट अप करते हैं यहाँ पे ना, यहाँ पे कॉस थीटा पुट अप करते तो ये रूट वाली वैल्यू क्या जाती है, नेगेटिव, क्योंकि इसके बीच में कॉस क्या होगा हमारा, नेगेटिव लाई करेगा, और जब कॉस हमारा नेगेटिव होता तो ऑब्वियसली वैल्यू क्या है यहाँ पे हमारी, रूट में इमेजिनरी हो जाती है। तो दैट्स व्हाई हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो यानी हमें साइन थीटा ही पुट अप करना है।